Hello friends, welcome to my art tech channel. बहुत दिन बाद फिर से आ गए आप लोगों के लिए एक पोर्ट्रेट बनाने का प्रोसेस. ठीक है, पिछले बार भी दिखाया था लेकिन इस बार थोड़ा सा डिटेल. बहुत सारा फ्रेंड मेरे को रिक्वेस्ट करता है, तो ये मेरा एक भैया का पोर्ट्रेट है, ये बनाने का कोशिश कर रहा हूँ. इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे. ठीक है ना, तो पहले ये पोर्ट्रेट को ग्रिड में डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, ये देखिए 11x8, तो ऐसा एक फ्रेम करके एकदम सिमिलर डिवाइड कर लिया. ठीक है, ये सेम जो ग्रिड है, ये ग्रिड आप क्ले का जो टाइल्स होगा, क्ले का जो टाइल्स आप बनाएंगे उसमें भी ये सेम ग्रिड बना लीजिए. यहाँ पे देखिए वही 11 एक्स्ट्रा ऊपर एक रख दिया 12 और इधर 8. तो इसको मैंने क्या किया, जो ड्राइंग में मेरा ग्रिड है जितना भी साइज होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन क्ले में जब होगा इसमें क्या 2 इंच क्या 6 इंच का 1 फीट जो भी है इसको सिमिलर डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने 2x2 करके ये बॉक्स बना लिया, पूरा मतलब ग्रिड बना लिया. ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए ड्राइंग में जो कॉर्नर टू कॉर्नर आउटलाइन जहाँ पे गया उसी प्रोसेस में आपको ग्रिड, देखिए इस प्रोसेस में आपको ग्रिड का साथ साथ लाइन को खींचना पड़ेगा ड्राइंग को फॉलो करके, मतलब फोटोग्राफ में जो ग्रिड मैंने डाला उसको फॉलो करके. ठीक है, ये एक दो बार ट्राई करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कैसे हो रहा है. मतलब आप ग्रिड को फॉलो कीजिए, कौन सा कॉर्नर टू कॉर्नर गया, कौन सा किस तरह से किया. ठीक है, अभी फोटोग्राफ को साइड में रखिए और मिट्टी चलाना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, देखिए ये आउटलाइन पहले सही से होना चाहिए. ठीक है ना, तो उसके बाद आप मिट्टी चलाना शुरू कीजिए, लेकिन आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए. ठीक है ना, पहले तो एक सरफेस बना लीजिए. अप्स एंड डाउन जो होगा वो धीरे धीरे होते जाएगा, लेकिन पहले एक एक जो बॉर्डर आपने बना लिया उसी बॉर्डर का अंदर अंदर आपको मिट्टी डालना पड़ेगा. जैसा पहले मैंने बालों का जो एरिया है उस पर डालने का कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद फेस में भी देखिए ऊपर पोर्शन नोज़, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में आप मिट्टी चलाना शुरू कर दीजिए. यहाँ पे ध्यान देने का सिर्फ वही है जो कौन सा आप ज़्यादा रिलीफ करेंगे कौन सा कम रिलीफ होगा, ये थोड़ा एक्सपीरियंस का बात है. जो मेन पार्ट होता है वो है ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगा आप लोग इसी ग्रिड प्रोसेस में करेंगे तो, क्योंकि आप फिर भी ये छोटा पार्ट है, छोटा पीस है साइज. जब बड़ा साइज होगा, मतलब आप सोचिए ये 10x10 फीट हो रहा है क्या, 20 फीट का है, 30 फीट का है, तो इतना बड़ा स्केल में आपको ड्राइंग दिखाई नहीं देगा. तो इस प्रोसेस जो है मैंने दिखाया, इस प्रोसेस में आप कोई सा भी साइज लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है ना, यहाँ पे जैसा मैंने 2x2 ब्लॉक लिया उसमें आपको 1x1 फीट. ठीक है ना, तो ऐसा करके आप स्केल का हिसाब से बड़ा कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप मिट्टी का जो सरफेस है मोटा मोटी एक लेयर बन गया. ठीक है, ये मैंने ज़्यादा डिटेल आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसा पोर्ट्रेट में बनाता हूँ जैसा रिलीफ में बनाता हूँ उसी सेम प्रोसेस है. तो अभी जो होगा, अभी आप धीरे धीरे इसमें देखते जाइए क्या वॉल्यूम एक फिगर में एक पोर्ट्रेट में वॉल्यूम कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा. तो यहाँ पे आप 1/2 इंच का अंदर ही आपको
पूरा के पूरा रिलीफ ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो रिलीफ जो है आप 3D से थोड़ा हट के हैं, तो रिलीफ प्रोसेस में आपको वो ध्यान देना पड़ेगा, ये 1/2 इंच का अंदर ही आपको कहीं पे एक सूत ज़्यादा, कहीं पे आधा सूत, मतलब इसी बीच में आपको अप्स एंड डाउन्स रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं पे डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे डेप्थ बना लीजिए। तो ये तरीका है। इसमें और एक चीज़ जो है, जैसा ग्लास, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जो ग्लास लगाया, चश्मा लगाया, तो ये चश्मा में क्या कोई कोई ऐसा ऊपर से रिंग लगा देते, कोई ये कर देते, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सरफेस का अंदर ही ये ग्लास को, मतलब एकदम जो ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किया है, मतलब यूज़ करता था ये मेरा भैया, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास को आप कैसे मिट्टी में दिखाएंगे, है ना। तो ये बहुत तरीका से आपको बनाना पड़ेगा। आप देखिए मैं यहाँ पे दिखाया, कोई कोई जगह में इसको डिटेल हाईलाइट होगा, बाकी जगह यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और धीरे 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 इसको सरफेस को स्मूथ करते जाइए और मिट्टी चराते जाइए, मिट्टी हटाते जाइए, मिट्टी चराते जाइए, ऐसा करते करते आपको ये लेवल लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग और ग्रिड दोनों, मतलब फोटोग्राफ, एक तो ड्राइंग का एक ग्रिड का साथ, मतलब फोटोग्राफ, तो दोनों फोटोग्राफ आपको पास पास रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए जब ग्रिड अपने ग्रिड का साथ साथ लाइन खींचा, वहाँ पे भी गलती दिखाई देगा, ठीक है ना, गलती हो सकता है। तो उसके बाद में भी जब आप पोर्ट्रेट बनाएंगे तो उस टाइम बनाते बनाते आपको वहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो वहाँ पे गलती ना हो जाए, ठीक है। ये टूल्स जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ सब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मैं एक दो चार मतलब टूल्स में काम कर लेता हूँ, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, हाथ ही सबसे अच्छा टूल्स है, ठीक है ना, तो हाथ को यूज़ कीजिए। ये देखिए अब देखते जाइए, मतलब एक टाइम घूम लीजिए, फिर से आइए, फिर से घूम लीजिए, मतलब एक टाइम मतलब पूरा फिक्स्ड होके आप काम करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम जो रह जाता है पोर्ट्रेट में ये पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो क्योंकि आँखों का अंदर एक फोटोग्राफ फिक्स्ड हो जाता है तो गलती पकड़ नहीं पाता है, तो इसलिए दिन में आप ज़्यादा टाइम काम मत कीजिए, ठीक है ना, एक आधा घंटा काम, 1 घंटा काम कर लीजिए, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, फिर से नेक्स्ट दिन स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा करें तो पोर्ट्रेट का जो गलतियाँ रह जाता है ये पकड़ में आता है। यहाँ पे बालों का भी देखिए, मतलब आप एक्स्ट्रा करके ज़्यादा डिटेल करके बनाएंगे तो उसमें हाईलाइट ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ पे हाईलाइट कम देना है, ये देखिए साइड से मैं लाइट को दे के अब देखने का कोशिश कर रहा हूँ, ये कहीं पे डेप्थ नज़र आ रहा है, कहीं पे गड्ढा नज़र आ रहा है, तो चारों साइड से भी आप एक एक बार घुमा घुमा के लाइट को भी देखिए, तो इसका जो रिलीफ है, वॉल्यूम है, ये पकड़ में आ जाता है। और उसके साथ साथ आप सरफेस को स्मूथ करते जाइए, ठीक है। इसमें स्पॉन्ज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो जो आइडल में बनाता हूँ, कोई रिलीफ बनाता हूँ, दूसरा
तो उसमें जैसा मैं स्मूथ करता हूँ यहाँ पे उस टाइप का नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा टेक्सचर भी रहेगा, मतलब फिगर, मतलब रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ह्यूमन फिगर का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो स्किन का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा रहेगा, मिट्टी का भी थोड़ा फीलिंग्स रहेगा और स्मूथ भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं क्या एकदम स्पॉन्ज में पानी लेके एकदम ये कर दीजिए तो सरफेस ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए टूल्स लेके मैं धीरे 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 और डिटेलिंग करते जाइए साथ साथ। ठीक है ना, आउटलाइन को भी बहुत शार्प कर लीजिए। नीचे का तरफ जो शार्ट में मैंने थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा मिट्टी का फीलिंग्स रह जाएगा। इसको कलर भी करेंगे, रियलिस्टिक कलर भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कलर का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, ठीक है। एकदम छोटा ब्रूस लेके जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे एकदम सरफेस को देखिए, स्मूथ कर लीजिए। अभी ग्रीड को एकदम लास्ट तक रहने दीजिए, ठीक है ना। मिटाने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं पे ज़रूरी हो जाए ऊपर से लाइन खींच के और एक बार देख लीजिए सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ग्रीड को मिटाए मत। देखिए एकदम स्मूथ ठीक ठाक आ गया, मतलब सरफेस ठीक ठाक आ गया, स्मूथ भी हो गया और स्किन का एक फीलिंग्स भी आ रहा है, ठीक है ना। और थिकनेस देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, एकदम हाफ इंच से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, बस मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, 1 इंच तो नहीं है, 100% नहीं है कहीं पे। तो इसका बीच में आपको ये रिलीफ का वॉल्यूम लेकर आना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड कैसा लगा, देखिए मेरा प्रोसेस फॉलो करके आप दिखाइए। अभी इसको मिटा दीजिए, फाइनल हो गया। अभी इसको मिटा के बॉर्डर एकदम कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको हटा दीजिए और कहीं कहीं पे देख लीजिए कोई डिटेलिंग बाकी है क्या, ठीक है। तो फ्रेंड कैसा लगा, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है, कमेंट में डालिए कैसा लग रहा है। फाइनल एकदम टच आप देख लीजिए कहीं पे, ठीक है। और फोटोग्राफ का साथ साथ बीच बीच में आप मैच करते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। तो देखिए ये फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका कलर डालते रहूँगा, प्लीज़ देखिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।